हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 20, 28, 36 का अचछेव क्या होगा। तो हम 20, 28, 36 का अचछेव निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। 20 का गुणनखंड करेंगे और 28 का गुणनखंड करेंगे और 36 का गुणनखंड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 22 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कट करेंगे, 10 आएगा दोस्तों, फिर 2 से 5 आएगा, फिर 5 से 1 आएगा। तो 20 का गुणनखंड आया दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा में 5। अब 28 का करेंगे, 2 से 14 आएगा, फिर 2 से करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे 1। तो 28 का क्या गुणनखंड आया दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा में 7। 36 का करेंगे, 2 से करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर क्या करेंगे हम 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। तो हमारा 36 का गुणनखंड क्या आया, 36 का आया 2 गुणा 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो हमको अचछेव निकालना है। अचछेव में क्या करेंगे हम, तीनों में से जो कॉमन नंबर होगा वो ही लेंगे। देखो 2 है तीनों में, है 2 है तो 3 नहीं है, अगला 2 भी नहीं है, 5 और 7 भी नहीं है। तो हम कह देंगे हमारा अचछेव क्या है, 2 है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना होता है हमको, जैसे 20, 28 और 36 का अचछेव निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, इसका आएगा 8 डिफरेंस और इसका आएगा 8 डिफरेंस इसका भी दोस्तों। तो हम देखेंगे क्या 8 है ये इन सब को डिविजिबल कर रहा है, तो ये क्या कर रहा दोस्तों, नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर आएगा 4 गुणा में 2। और फैक्टर करने के बाद भी हम क्या लेंगे, सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे। या डिफरेंस चाहे जितना भी हो दोस्तों, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, सबसे छोटा डिफरेंस लेंगे। अभी हमने हमारे पास जो डिफरेंस आया 8 का दोस्तों, 4 गुणा में 2 आया है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाला फैक्टर लेंगे 2। 2 देखेंगे क्या सबको डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो कर रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। अच्छी है।